हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का लास्ट ईयर 22 फरवरी मॉडल, अभी इस साल का 23 का अप्रैल मॉडल में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, आप लोग से शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। मेरा स्कूटर लेकर ऑलमोस्ट 13-14 महीना हो गया है। ये रिसेंटली अप्रैल 1 तारीख को डिलीवरी हुआ है। सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका फ्रंट जो सस्पेंशन फोर्क आर्म है चेंज करके आया हुआ है। उसके बाद जो फोर्क का एक एडिशनल सपोर्ट लगता है, आजकल तो काफ़ी दिन पहले से ये लगना शुरू हो गया था, इसमें भी लग के आया हुआ है। मेन कास्ट चेंजेस है जो टायर से सीएट मिला हुआ है। MRF का एक प्रॉब्लम है, एक साइड से टायर घिसता है, इसमें सीएट का दिया हुआ है। यहाँ पर पैनल गैप देख सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के भी पैनल गैप नहीं है, परफेक्ट फिट एंड फिनिश है। ये मैट ब्लू कलर है। यहाँ पर मेन एक चेंज दे सकते हैं आपको, यहाँ पर एक केबल होता था, इसमें क्या दिया, जो पुराना स्कूटर में केबल होता था, इसमें एक पत्ती दिया हुआ है। पुराना स्कूटर में केबल आता था, वहाँ से कई आदमी का जो कंप्लेंट था, जो नट निकल के वायर अलग हो जाता था। और पीछे का जो टायर है ये भी सीएट का मिलेगा आपको, बाकी वहाँ पर कंट्रोलर है, सबका एक ही है। इस साइड का फिट एंड फिनिश और पैनल गैप मतलब बिल्कुल नहीं है, एकदम फिनिशिंग अच्छा है। पहले काफ़ी ज़्यादा पैनल गैप मिलता था, दोनों साइड का पैनल गैप इसमें बिल्कुल नाममात्र का है। यहाँ भी फुल अच्छा से पैक किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट में, जो डैशबोर्ड में भी पैनल गैप बिल्कुल नहीं है। मेरा तो कई दिन के बाद, 7-8 महीने के बाद में हटाया गया, मतलब वो पैनल गैप को ठीक किया हुआ है। चार्जर अभी जो रिसेंटली जो एक दिन पहले से जो अलग किस्म का चार्जर अभी दे रहा है, लेकिन इनको पहले वाला चार्जर आया हुआ है, हो सकता है जो नया प्रोटेक्शन में इनको दिया नहीं है। और एक मेन चेंज है, पहले हम लोग को रबर कैप मिलता था, इसमें कैप हटा दिया, एक छोटा सा स्पांज लगा के दिया। ये कास्ट कटिंग के लिए दिया होगा, लेकिन एक्चुअली ये रबर देने से काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी भी रहता था। और ग्रेविल सबका सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं मिला, लेकिन जो स्क्रू लगाने की जगह है वो थोड़ा चेंज किया हुआ है। ब्रेक्स बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम मटेरियल है पुराना जैसा। मेन यहाँ पर जो हमारा मिरर का, पहले छोटा वाला कप्स मिलता था, अभी इसमें बड़ा किया हुआ है। थीम्स भी सेम है, कोई खास अंतर चेंज कुछ नहीं है, तीन ही दिया हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर वर्जन चेंज किया हुआ है। इसमें 3.1 MOOC का चल रहा है अभी फ़िलहाल, हम लोग को तो 3.0 अपडेट आने के बाद भी कोई और अपडेट आया नहीं। इनका काले अभी इनका MOOC 3.1 को 0.1 को अपडेट दिया हुआ है, हो सकता है इससे बेटर होगा एक्सपीरियंस इनका, ये हम लोग को भी देना चाहिए था। सारे थीम चेक किया, एक ही जैसा है। इंटरफेस भी कोई चेंजेस नहीं मिला देखने के लिए, सब टू एक जैसा ही है। यहाँ पर अबाउट में जाके एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये भी राइड का हिल होल्ड, इसमें भी कमिंग सून लिखा हुआ है। बैटरी का, स्कूटर पासवर्ड, डॉक्यूमेंट का, सॉफ्टवेयर अपडेट एक बार चेक कर लेते हैं। ये MOOC का ये भी सेम, हम लोग जैसा जैसा डेमो आता था उसी तरह दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन 3.0.1 दिया हुआ है MOOC का। अबाउट में भी जाएगा तो सॉफ्टवेयर वर्जन 3.0.1 दिख रहा है। ये थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग को भी आने वाले टाइम में शायद मिलेगा देखने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट पहले क्या होता था, घर में स्कूटर आने के बाद होता था, बाय डिफ़ॉल्ट इनका 3.0.1 में आया हुआ है। बाकी हजार लाइट्स, हेडलैम्प सब कुछ सेम है, इंडिकेटर का सारे फीचर्स एकदम सेम ही दिया हुआ है। यहाँ पर हॉर्न का साउंड देखा होगा, मैं अपना स्कूटर का एक बार हॉर्न का साउंड आपको देखा होगा।
हॉर्न का साउंड जो नए वाला स्कूटर मेरे को काफी अच्छा लगा। नया और पुराना में मेरे को नया वाला स्कूटर में फिट एंड फिनिश, पैनल गैप का जो इश्यूज था, टायर चेंजेस किया हुआ है, कुछ कुछ चेंजेस तो देखने के लिए मिला, क्योंकि इनका स्कूटर बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साल के ऊपर हो गया, तो काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश है। चलिए, ये थोड़ा सा कंपेरिजन वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको नमस्कार, थैंक यू।